शिवपुरी जिले के बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी खरकडीहा पंचायत के असंघों में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब निर्माण कार्य की शिलान्यास रखी गई। इस मौके पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत सरोवर में भी झंडा फहराने का निर्णय लिया गया है। कहा कि देश में भूमिगत जल का स्तर काफी गिरता जा रहा है, ऐसे में हमें सिंचाई के लिए, पीने के लिए एवं उद्योगों के लिए पानी का संकट पैदा हो गया। पानी के मुख्य स्रोत सूखे जा रहे हैं, वर्षा जल का संरक्षण नहीं हो पा रहा। वर्षा जल के संरक्षण के सबसे बड़े स्रोतों में से एक तालाब अब खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए सरकार द्वारा पेयजल संकट से निपटने के लिए अमृत सरोवर योजना 2022 लाई गई है। यह सरकार के सराहनीय कदम है। कहा कि वर्षा न होना, क्षेत्र सुखाड़ की चपेट में आ जाना या किसी से छिपा हुआ नहीं है। सरकार बहुत जल्द ही सुखाड़ क्षेत्र को देखते हुए अकाल क्षेत्र घोषित करने पर ठोस निर्णय लेगी। बेंगाबाद प्रमुख मीना देवी ने कहा कि अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य तालाबों को पुनर्जीवित करना, उन्हें पर्यटन के लिए आकर्षक बनाना, उनका सौंदर्यकरण करना, तालाब के चारों तरफ रोशनी की व्यवस्था करना, तालाब के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाना एवं स्वच्छता कायम रखना एवं लोगों को तालाबों के महत्व के प्रति जागरूक करना भी है। इस तालाब के बनने से आसपास के किसानों सहित आम जनता को काफी लाभ मिलेगा। उप प्रमुख सभा अंजुम ने कहा कि भूमिगत जल को बढ़ाने के साथ साथ हमें पीने के लिए पानी, पशु पक्षियों, सिंचाई आदि के लिए भी पानी की व्यवस्था प्राकृतिक रूप से करते हैं। हमारे देश के कुछ हिस्सों में अभी भी तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। तालाब भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के साथ ही अपने आसपास के दूर तक क्षेत्रों में भी भूमिगत जल स्तर को बढ़ा देता है, जिससे जल की समस्या दूर होती है। मुखिया सुनीता देवी ने कहा कि हमारे देश में तालाबों की संख्या काफी कम होती जा रही, इसलिए वर्षा जल का पर्याप्त संरक्षण न होने के कारण भूमिगत जल का स्तर काफी कम होते जा रहा है। प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश के प्रत्येक जिले में 75 तालाबों के निर्माण के लिए अमृत सरोवर योजना 2022 शुरू करने की घोषणा की है। अमृत सरोवर योजना के माध्यम से देश भर में तालाबों को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। गांव पंचायत को लाभ मिलेगा, जिस बार खेती भी नहीं हुआ है और खेती के कम से कम सुखाड़ भी हो गया है, इसीलिए ये तालाब जो कटेगा उसे यहाँ का जनता को कुछ लाभ मिलेगा, ताकि अपना खेत बाड़ी में कुछ लगा सके। ये 5 दिन जैसे 15 अगस्त के पहले ही बोल रहे हैं कि ये तालाब फोड़ा जाना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये तालाब फोड़ा जाना चाहिए। और ये जो आपका 11 से जो झंडा तोलन का जो है, ये हम लोग का ब्लॉक में मीटिंग हुआ था तो वहाँ पे बताया गया था कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी नागरिक लोग ले सकते हैं 25 रुपया में, और कुछ डीलर लोग को भी कहा गया है वो लेके अपना झंडा फहराए। ये ग्राम पंचायत छोटकी खरकडीहा असगंदो यहाँ का निर्माण होना है। ये आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस को माननीय प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है, जिस निमित्त पूरे गिरिडीह जिला में 75 268,200 रुपये है। और इस तालाब का जो प्राकलन है, जो निर्माण होना है, वो 85 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा। किनके द्वारा होगा, कौन कराएंगे इसको? ये लाभुक समिति के द्वारा होगा, पानी पंचायत के माध्यम से इसका क्रियान्वयन होना है। ये
ये 5 दिनों में कैसे पूर्ण होगा ये 19 लाख तालाब? 5 दिनों ये है कि ये टारगेट है कि हमको 5 दिन के अंदर इसको पूरा करना है। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाएगी और दर्जन भर से ऊपर ट्रैक्टर लगाए जाएंगे। तो ये दावा रात दिन काम चलेगा, रात दिन काम चलेगा। और ये जो हमारा 15 अगस्त टारगेट है कि इनके उद्घाटन के उस पर यहाँ झंडोत्तोलन किया जाता है। जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी है श्री सत्यनारायण पाठक जी, उनके द्वारा यहाँ झंडोत्तोलन किया जाना है। क्या है इसमें? अमृत सरोवर भारत सरकार की एक जो हमारा 70वां वर्षगांठ आजादी का हम लोग मना रहे हैं, उस उपलक्ष्य में प्रत्येक जिला में कुछ तालाब बनाया जा रहा है, 75 तालाब। और उस तालाबों को 15 अगस्त के पहले कंप्लीट करके इसमें तिरंगा फहरा देना, ये बड़ी अच्छी बात है। हम लोग सबों के सब लोग देखिए यहाँ मौजूद हैं, सबकी शुभकामना। यहाँ के ये सब काम तो जनता के लिए हो रहा है। और इस वर्ष चूंकि बारिश की कमी के कारण खेती नहीं के बराबर हुई है और हमको लगता है इसका मूल्यांकन हो रहा है और बहुत जल्द राज्य सरकार 15 अगस्त तक इसमें फैसला लेगा कि आगे क्या इसमें अकाल क्षेत्र घोषित किया जाए और क्या योजनाएं बनेगी, क्या काम होगा, इसमें सरकार के संज्ञान में और उसका फैसला जल्द लिया जा रहा है। तो इस अमृत सरोवर योजना चूंकि 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये केंद्र सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक राज्यों में हो रहा है, उसी की एक कड़ी आप देखा। ये किनके द्वारा संविधान वगैरह क्या है? ये जो है ना जियो टेक से भारत सरकार ने सर्वे और कराया था, कभी कब कराया था वो डेट हमें नहीं मालूम है। और उसके आलोक में 13 जगह का सिलेक्शन बेंगाबाद में आपसे हुआ था, 16 जगह का। तो 16 जगह में शायद फॉरेस्ट की जमीन में कितना है? 16 में 15 फॉरेस्ट लैंड में है और वो अभी क्लियरेंस फॉरेस्ट का मिलेगा तब उसमें बनेगा। बाकी 2-3 जो था वो सर्वे के जमीन में था तो उसमें अभी काम स्टार्ट हुआ। एक फॉरेस्ट का क्लियरेंस एक जगह मिला है, वो तेले बोरा ताराजी पंचायत में, तो उसमें और एक यहाँ और एक हलबिया में, ये 3 में हमको लगता है काम आज 7 तारीख हो गई है, 15 अगस्त के पहले मैंने 14 तक कम्प्लीट कर दिया, झंडा तोलन होगा। जी झंडा यहाँ फहराया जाएगा, तिरंगा झंडा। और ये एक अच्छा प्रोग्राम है, सबों को कहा गया है कि सब नागरिक अपने अपने घरों में 13 से 15 तक झंडा फहराए। झंडा पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध कराया गया है, उसका मात्र 25 रुपया मूल्य है। और कल मैंने भेजा था गिरिडीह पोस्ट ऑफिस में झंडा के लिए, तो इतना तेजी से झंडा निकला के झंडा फहरा गया, कहा गया कि मंडे तक झंडा आएगा, मैंने जाता देगा अपनी झंडा है कि नहीं है। चलिए बहुत अच्छी है, इससे हिम्मत अफजाई है, लोगों का हौसला बुलंद होगा और एक देशभक्ति जगेगा लोगों का। मैं आप सबों को बहुत बहुत आने वाले 15 अगस्त की और 75वें वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।